हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। आज था संडे तो मेरा मन किया देर तक सोने का, तो मैं सो के उठी हूँ 6 बजे और मैंने भगवान को धन्यवाद किया है, किचन में जाके गर्म पानी पिया है। फ्रेश होके तैयार होके मैं आ जाती हूँ योगा पार्क में और यहाँ मैंने अपना सुबह का मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट किया है। स्किपिंग की है, स्टिचिंग की है, बॉडी वार्म अप किया है। ये करने के बाद मैं वापस घर आती हूँ और घर में मैंने बालकनी में चिड़ियों के लिए दाना पानी रख दिया है। उसके बाद मैंने शुरुआत की है अपने सेल्फ केयर रूटीन की। सबसे पहले मैंने बालों में लगाया है हेयर मास्क, उसको मैंने बनाया था एलोवेरा और अंडे से। उसके बाद मैंने पानी पीने की कड़ी में 2 गिलास पानी और पी लिया है और अब मुझे फॉलो करना है अपना स्किन केयर रूटीन। तो मैं चेहरे पर लगा रही हूँ शीट मास्क। जब से ये सूख रहा है तो मैंने हाथों और पैरों में डी टैन क्रीम लगा ली है क्योंकि गर्मियाँ हो रही हैं और मुझे टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। पानी पीना मैंने कंटिन्यू रखा है और उसके बाद मैं आ जाती हूँ नहाने के लिए। अच्छे से हेयर वॉश किया है, बॉडी स्क्रब किया है और नहाने के बाद मैंने की है पूजा। पूजा के बाद मैंने लंच में खाया है आज ब्लैक राइस, दाल, सैलेड और आंवले का अचार। फिर मैंने पानी पीने के लिए मटके रख लिया है और गर्मियाँ आ रही हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, हेल्दी होता है। 4 लीटर पानी पीने का मैं टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। शाम को वर्कआउट से पहले मैंने अपना प्रोटीन पिया है और मैं निकल जाती हूँ शाम की इवनिंग वॉक पे। इवनिंग वॉक करते हुए मैंने साथ में खाना भी कैरी कर लिया है, बिस्किट कैरी कर लिए हैं क्योंकि जब मैं बाहर निकलती हूँ तो ये जो स्ट्रीट डॉग्स है तो मैं इन्हें कुछ न कुछ खानों को जरूर देती हूँ। इन्हें खाना देख के मैं वापस घर आ जाती हूँ और अपने रूफ टॉप पे मैंने इवनिंग वर्कआउट का रूटीन शुरू कर दिया है क्योंकि आज संडे है तो जिम बंद रहता है, तो इसलिए मैंने अपना इवनिंग रूटीन घर पे ही फॉलो किया है। बॉडी वार्म अप, स्ट्रेचिंग, क्रॉस लेग, जंपिंग, सारे वर्कआउट मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़ी देर मैंने आराम किया है और फिर मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। नहाने से मुझे काफ़ी फ्रेश फील होता है और मैं आ जाती हूँ अपनी बुक पढ़ने के लिए। 48 पावर ऑफ लॉ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ये है सेल्फी ऑफ द डे। जय श्री राम।